बम बारूद के शोर से पूरा गाजा पिछले 6 दिनों से दिन रात थर्रा रहा है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल का गाजा में ट्रिपल अटैक जारी है। गाजा को खाना, पानी, बिजली की सप्लाई बंद कर हमास को अंधेरे में तिल तिल कर मारने की तैयारी है। एक तरफ इसराइल हमास के आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास को घुटनों पर लाने की रणनीति के तहत उनके हथियार और गोला बारूद रखने के अड्डों को भी बर्बाद कर रहा है। गाजा में हमास की कमर तोड़ने के लिए इसराइल ने बिजली, पानी, तेल और खाद्य सामग्री की सप्लाई रोक दी है। साथ ही सार्वजनिक अस्पतालों में हमास आतंकियों के इलाज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त हम गाजा बॉर्डर के पास मौजूद हैं और यहां से हमें तुरंत निकलने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि हमले काफी तेज हो गए हैं और बीचों बीच हम यहां पर फंसे हुए। रास्ते में आप देखिए पुलिस फोर्स पूरी यहां संख्या बढ़ती जा रही है, जो आर्मी के जवान हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हमें यहां से तुरंत निकलने के लिए कहा जा रहा है। बीच में हम इस वक्त यहां पर फंसे हुए हैं, फोर्सेस हमें आगे पीछे जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि यहां पर तेजी से हालात में मैं परिवर्तन देख रहा हूं। हमले यहां तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे और फोर्सेस ने चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया। एक बार मैं उस तरफ की तस्वीरें भी कैमरामैन दिखाएं क्योंकि हम यहां से निकल रहे हैं। अब देखिए इस आगे भी जाने से हमें रोका जा रहा है, दूसरी तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। यहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि यहां पर कुछ इनपुट इस तरह के मिले हैं यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कि हमास के आतंकी यहां आसपास में छिपे हो सकते हैं, इसलिए यहां से हमें निकलने के लिए कहा जा रहा है। गाजा के संपूर्ण सफाई के लिए इजरायल में सभी सियासी दल एकजुट हैं। इसराइल में हमास के खिलाफ वॉर कैबिनेट या कहें यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है। अब आप इसका मतलब भी समझ लीजिए। यूनिटी गवर्नमेंट यानी सरकार जिसमें पक्ष विपक्ष समेत सभी पार्टियां शामिल होती हैं। यूनिटी गवर्नमेंट जंग के वक्त बनती है। इससे पहले इसराइल में 50 साल पहले यानी 1973 में यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी, तब भी इसराइल पर अचानक अरब देशों का हमला हुआ था। עם ישראל מאוחד והיום גם ההנהגה שלו מאוחד. हमास को नेस्त नबूद करने के लिए इजराइल का तगड़ा प्लान हमास को भी परेशान करने लगा है। इजराइल के हाथों पूरी तरह पिट रहे हमास ने नई गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा कि गाजा कोई बगीचा नहीं है, यहाँ घुसना महंगा पड़ेगा। हमने इसराइल में अपने 1200 लड़ाके भेजे थे, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, इसराइली सैनिकों की तैनाती से हम नहीं डरते। इस जंग में इसराइल अब बढ़त बनाता दिख रहा है, लेकिन सच ये भी है कि हमास की तरफ से भी हमला जारी है। लेकिन इसराइल की सरकार और सेना जिस तेवर में है उसे देखते हुए लगता नहीं कि हमास उसका सामना ज्यादा समय तक कर पाएगा, क्योंकि अब तो इसराइल की जमीनी फोर्स भी तैयार है। इसराइल की आर्मी चाहती है कि वो गाजा में घुसकर हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारे, बस नेतन्याहू की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर। गाजा बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और युद्ध जब चल रहा होता है तो हर नागरिक अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है और इजराइल के नागरिक भी अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने देश के लिए हर वो कुछ करना चाहते हैं ताकि इस जंग के वक्त देश की मदद कर सके। इसीलिए दुनिया भर में रहने वाले इजराइल के लोग अब अपने वतन लौट रहे हैं और वतन लौट कर वो हमास को सबक सिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल के लोगों की देशभक्ति इस वक्त हम यहां पर महसूस कर सकते हैं और इजराइल की देशभक्ति पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये जानते हुए कि मातृभूमि संकट में है, उसे बचाने जब कोई बेटा अमन चैन की दुनिया छोड़कर अपने मुल्क लौटता है तो उसका स्वागत कुछ इस तरह से होता है। ये नौजवान अमेरिका से इसराइल लौटे हैं ताकि अपने देश के लिए लड़ सकें। हमास के खिलाफ जारी जंग में इजरायली सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करें।
युद्ध काल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नौकरी और पढ़ाई कर रहा इसराइल का नागरिक अपने देश की हालत देख आहत है। कईयों ने हमास के हमले में अपनों को खो दिया है। ऐसे हजारों इजरायली जंग में शामिल होने के लिए अपने वतन वापस लौट रहे हैं। ग्रीस से लेकर न्यूयॉर्क तक एयरपोर्ट पर इजरायलियों की भीड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने रिजर्व सैनिकों की संख्या 3,60,000 कर दी है और यही वजह है कि इजरायलियों में घर लौटने की होड़ मची है। हमास को हराने के लिए न सिर्फ वहां के नागरिक बल्कि सियासी दल भी एकजुट होकर रणनीति बना रहे हैं। העמידה שלנו כאן, שכם אל שכם, היא מסר ברור לאויבינו, וחשוב מכך, מסר לכל אזרחי ישראל. כולנו יחד, כולנו מתגייסים, כולנו מגויסים. आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में इजरायलियों की करीब 2,00,000 आबादी रहती है, जिसमें से 1,40,000 से ज्यादा नागरिक अपने देश लौटकर जंग में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ग्रीस में 100 से ज्यादा एथेंस एयरपोर्ट पर अपने वतन जाने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी 11,000 से ज्यादा नागरिक रहते हैं और वहाँ से ज्यादातर लोग इसराइल लौटना चाहते हैं। कनाडा में भी 3,00,000 से ज्यादा इसराइली रहते हैं और बड़े पैमाने पर अपने देश में आकर हमास के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहते हैं। Z News.